नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीके न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में एक बार फिर से बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब नई सरकारों की शपथ तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही भाजपा के विधायकों की सूची भी सौंप दी गई। हालांकि उनके शपथ ग्रहण की डेट अभी तय नहीं हुई है। वह जल्द ही दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। फिलहाल अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ही गुजरात में हैं और उनकी वापसी के बाद ही सीएम योगी मुलाकात करने पहुंचेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। दोनों नेता रविवार को देहरादून पहुंचेंगे और इस दौरान विधायक दल की मीटिंग के बाद लीडरशिप को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपना चुनाव हार चुके हैं, इसलिए एक साल के भीतर ही राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद भले ही बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान किसे मिलेगी यह अभी साफ नहीं है। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा है। खटीमा सीट से धामी को कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने 6000 वोटों से हराया है। ऐसे में से धामी को बीजेपी दोबारा इस पहाड़ी राज्य की बागडोर सौंपेगी या नहीं यह अभी तय नहीं है। उत्तराखंड में बम्पर जीत की तरफ बीजेपी के बढ़ते कदम को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, लेकिन समर्थक अपने मुख्यमंत्री के हार से दुखी हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को भी इसका अफसोस है। इसलिए अंतिम सीट का चुनाव परिणाम आने से पहले ही पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने या ना बनने की बहस शुरू हो गई है। नए सीएम के लिए श्रीनगर सीट से विधायक और निवर्तमान मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बनोली, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्री रहे सतपाल महाराज के नामों की चर्चा तेज हो गई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा यह कहना अभी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अपने पूर्ववर्ती हरीश रावत और भुवन खंडूरी की तरह हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ऐसे चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। रुझानों में स्थिति स्पष्ट होने के बाद धामी देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में नए सीएम किसे बनाना चाहिए? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एचसीके न्यूज। शुक्रिया।